पार्टी हो, गवर्नर वाली सरकार हो और लोग खुश हो, ये मल्टी पार्टी सिस्टम वाले की भी आना, पीडीपी वाले की भी, कांग्रेस वाले आओ सारे मिल गए, कम से कम जो गेस्ट स्पीकर हैं वो भी गौरव और जैसे बाकी स्पीकर है मैं लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सारे कट्ठे होते सारा इको टारगेट है इको मोटो है कि असें पहाड़ी मिलना चाहिए। एक गल मैं तुम्हें दसा अस कहते वी आर थैंकफुल टू अपने होम मिनिस्टर कि तुसें कहा कि चार पांच बार उन्हें कहा कि जब तक ये चीज काम कंप्लीट ना हो तब तक असि नहीं कह सकते कि ये जनाब अस थैंक्स कर रहे हैं। अगर ए ना होए अस दोबारा फिर कट्ठे होइए सानू जरूर पैसे मिलेगा सबसे पहले तो मैं सभी जो मीडिया हजरात जहाँ है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक हमारा आज जो पहाड़ी कन्वेंशन जो पुंछ में रखी गई थी जिसमें सबसे पहले तो जितने भी पहाड़ी कम्युनिटी है उन्होंने अमित शाह जी का शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने 4% रिजर्वेशन का जो अनाउंस किया है उसके लिए तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो हमारी मेन डिमांड ये है कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए, तो हमारी वही डिमांड रहेगी और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही करेंगे कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होने से पहले पहले जो है वो पहाड़ियों को जो है वो एसटी स्टेटस दें, जिसकी डिमांड पहाड़ी पिछले 30-40 साल से कर रहे हैं। अगर कल को बीजेपी गवर्नमेंट अगर पहाड़ियों के साथ ऐसा करती है तो बिल्कुल पहाड़ी कम्युनिटी एक आवाज़ बनकर जो है वो इस खिता पीर पंचाल से जो है वो बीजेपी को एक बहुत बड़ी बढ़त दिलाएगी, यहाँ से सीटें जीत के बताएगी, वो अपना वायदा पूरा करेगी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी डिमांड पूरी करती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की खासकर जो रूलिंग पार्टी है उसकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरे।